हेलो दोस्तों, आदाब नमस्कार सत श्री अकाल। दोस्तों मैं खुर्शीद अहमद भाई जी, ज़िला बिजनौर यूपी से आपके साथ। आप देख रहे हो हमारा वर्क यहाँ पर हो रहा है और अंदर कारखाने का मैं दिखा दूँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो अंदर कारखाने में गर्मी होती है। मशीनरी आपको कारखाने में यहाँ की, और ये दरवाजे हमारे यहाँ बने हुए बन रहे हैं, और ये आपको कारखाने का दिखा देता हूँ। और यहाँ पर ये कारखाने के बाहर जो वर्क हो रहा है ये दिखा देता हूँ। और मैं दिखाना ये चाहता हूँ कि जो दरवाजे बन रहे हैं इसकी क्वालिटी, अभी ये अनकम्प्लीट है, अभी इनको जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जितनी फ्रेमें आप यहाँ पर देख रहे हो, जितना हमारा काम ये देख रहे हो, ये लगभग जो हमारे 12 दरवाजे जुड़ेंगे, 12 दरवाजे इसमें बनेंगे डिजाइन वाले बढ़िया एक नंबर के। तो यहाँ पर ये आप लेबर देख सकते हो, हमारी लेबर जो है कारीगर जो हमारे हाथ पैर जो जिनकी बदौलत ये काम इतना अच्छा बनता है, तो वो सब यहाँ पर आप काम करते हुए देख सकते हो। आप यहाँ पर ये सब काम चल रहा है, यहाँ पर आप हमारे कारीगर यहाँ पर ये देखिए सब। तो दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इससे पहले मैं आपको डिटेल बताऊँ, हमारी वीडियो को आप अगर अच्छी लगे हमारी बात, क्योंकि हमारी बात में, हमारी वीडियो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई संदेश होता है, तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए अब बताता हूँ मैं क्वालिटी के बारे में, करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए जितनी फ्रेम है यहाँ पर, ये सारी फ्रेम है आप देख सकते हो, ये सब ये फ्रेमें हैं, ये दरवाजे जोड़े जाएंगे इससे। आप यहाँ इनमें देखिए कि कितना कच्चा, यानी टोटल सारा जो है ये माल पड़ा हुआ सारा एकदम ब्राउन है। इसमें आप 99% इसमें पक्का माल है, ठीक है जी। रेशा आप देखिए, बिल्कुल करीब से आपको दिखाऊं मैं, रेशा आप देख सकते हो, शाम का टाइम है इस टाइम, बिल्कुल आपको एकदम जेन्युइन रेशा दिखाई देगा, ओरिजिनल, जो एक लकड़ी के अंदर रेशा होता है, जो लकड़ी की अपनी ओरिजिनल क्वालिटी होती है, वो आपको ये क्वालिटी एकदम जेन्युइन नजर आएगी। ये देखिए, तो ये लकड़ी के दरवाजे, और ये मैं बता दूं ये दिल्ली के दरवाजे बन रहे हैं, ये दिल्ली के दरवाजे हौज खास, दिल्ली हौज खास का ये माल है, और चौखट हमारी जा चुकी है बन करके, और ये दरवाजे डिजाइन वाले दरवाजे, इसमें जो है हल्का फुल्का डिजाइन दिया जाएगा कार्विंग का। तो ये हौज खास ग्रीन पार्क एक नंबर गेट के पास DDR कॉलोनी में, वहाँ पर ये माल जाएगा, और बहुत ही मतलब एक दिल से माल बनाया जा रहा है। जो पार्टी है जो जिनका ये माल है, उन्होंने कहा था कि हमें क्वालिटी, भाई साहब हमें दिल्ली जैसी क्वालिटी नहीं चाहिए, कि दिल्ली में तो लोग कुछ कहते हैं और देते कुछ है, हमें आपसे ये उम्मीद है, क्योंकि आप बाहर से हो तो आप हमें माल अच्छा दोगे। तो उनकी उम्मीद पर अगर हम कहीं खरा उतरे हैं, तो ये आप देखिए फ्रेम की आप क्वालिटी देखिए इसकी, कि अगर हमने वाकई क्वालिटी अच्छी दी हो, लकड़ी अच्छी दी हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि वाकई हमने ये देखिए बनाए जा रहे हैं, ये खुर्जी बनाई जा रही है, ये गोलाइयाँ बनाई जा रही हैं, जो मेन दरवाजे बनाए जाएंगे ये सब गोलाइयाँ, ये देखिए मिस्त्री साहब हमारे गोलाई बना रहे हैं, ये गोलाई बनाई जाएंगी, ये सब गोलाइयाँ बनाई जा रही हैं, इस तरह से ये काटे जा रहे हैं, ये देखिए ये सब गोलाई, इसको गोलाई में किया जा रहा है, और ये गोलाई तैयार हो गई है, ये आप देख सकते हो, चीज़ इधर दिखाओ ज़रा, इसको बनाया जा रहा है, ये देखिए इस गोलाई को अच्छी तरह से इसको रंधाई किया जा रहा है, इसको गोलाई को बनाया जा रहा है। ये हमारे मिस्त्री साहब लगे हुए हैं, इधर मिस्त्री साहब जोड़ने में लगे हुए हैं, तो ये लेबर हमारे पास लगभग 8 से 10 बंदे काम करते हैं। जो अंदर आपने दरवाजे रखे हुए देखे, मेरा मकसद दिखाने का ये था कि हमारे यहाँ क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं होता, काम थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। फिनिशिंग में आपको बिल्कुल एकदम एक्यूरेट दिखाता हूँ, ये देखिए इस खुर्जी की गोलाई बिल्कुल पूरी एक्यूरेट कटी हुई है। मकसद कहने का ये है कि हमारे यहाँ काम में कहीं भी कंप्रोमाइज़ नहीं है। ये जितने कारीगर है, ये इस तरह के कारीगर है, ये कारीगर है, ये 8-8, 10-10, 20-15 साल के तजुर्बेकार है, समझ रहे। तो अगर आपको ये काम हमारा अच्छा लगता है, क्वालिटी हमारी अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, तो आप हमारे काम बनवा सकते हैं। ये दिल्ली हौज खास का मैंने आपको बताया, दिल्ली हौज खास का ये माल है, और चौकटें जा चुकी हैं, इस वक्त लास्ट मोमेंट में काम चल रहा है, दरवाजे बनाए जा रहे हैं। ये सारे आप देख सकते हो जितना पड़ा है, ये सब सागवान है। अंदर मैंने आपको अंदर का दरवाज़ा या फैक्ट्री का ये गेट दिखा रहा हूँ, या अंदर फैक्ट्री है, तो ये बाहर क्योंकि शाम का टाइम है तो बाहर काम करने में मज़ा आ रहा है। मशीनरी का काम ख़त्म हो चुका है, तो अब ये जोड़ने का काम इसको रह गया है, तो ये जोड़ा जा रहा है, ठीक है जी। चलिए अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए संदेश के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।